फिलहाल रुख हम अगली खबर करेंगे। कानपुर के पनके मंदिर के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर में पनकी मंदिर के महंत ने अपना उत्तराधिकारी क्या घोषित किया, बवाल ही खड़ा हो गया। लोगों का आरोप है कि जिस शख्स को महंत का उत्तराधिकारी बनाया गया है वो शादीशुदा और मांस और मदिरा का सेवन करता है, जो कि गलत है। हालांकि इस पूरे मामले पर जब केनियस की टीम ने महंत रमाकांत से पूछा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन मंदिर के महंत जितेंद्र और महंत रमाकांत के शिष्य इस नए उत्तराधिकारी का विरोध खुलकर कर रहे हैं। ये कानपुर शहर का प्रसिद्ध और प्राचीन पनकी मंदिर है। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर में दूर दराज क्षेत्रों से लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान भक्त इस मंदिर से कभी निराश होकर नहीं लौटते। लेकिन अब ये प्राचीन मंदिर महंत पद को लेकर विवादों में है। नियमानुसार और परंपरा के मुताबिक महंत उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो ब्रह्मचारी हो, व्यसनी न हो, जिसका आचार व्यवहार ठीक हो, किसी तरह के विवाद से न जुड़ा हो। लेकिन पनकी मंदिर के बड़े महंत रमाकांत दास ने नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसे व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया है जिसके बीवी बच्चे भी हैं। कई तरह के आरोपों से भी घिरा है, साथ ही उस पर मांस मदिरा का सेवन करने का भी आरोप लगा है। इनका नाम है श्री कृष्ण दास। आपके टीवी स्क्रीन पर जो शख्स हमारे कैमरे से बचकर भाग रहा है वही है श्री कृष्ण दास। बड़े महंत रमाकांत दास का उत्तराधिकारी बनने से पहले लोग इन्हें कृष्णलाल शुक्ला और राजा बाबू के नाम से भी जानते थे। के न्यूज की टीम महंत पद से जुड़े विवाद की हकीकत जानने के लिए पनकी मंदिर पहुंच रही है। शायद इसकी भनक इनको लग चुकी थी। के न्यूज संवाददाता ने जब उनसे जुड़े विवाद को लेकर प्रश्न किया तो उनका आचार और व्यवहार सामने आ गया। अपनी सफाई में श्री कृष्ण दास ने क्या कुछ बोला आप भी सुन लीजिए। जब से तुम्हारे पिताजी ने नहीं भेजा तब से कृष्णदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से ही पनकी मंदिर के बड़े महंत रमाकांत दास शक के घेरे में हैं। नियमानुसार उत्तराधिकारी होने की एक पात्रता होती है जिसे पूरा करने के बाद ही किसी साधु संत को महंत जैसे आस्था से जुड़े पद पर आसीन किया जाता है। लेकिन कृष्णदास को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने में बड़े महंत रमाकांत दास ने इन नियम कानूनों और लोगों की आस्था को ताक पर रख दिया। इस पूरे विवाद को लेकर जब पनकी मंदिर के बड़े महंत और बाल ब्रह्मचारी रमाकांत दास से बात की गई तो वो बिफर गए। उनके मुताबिक लोग कुछ भी कहें उनको इससे कोई फर्क। कुछ नहीं बताएंगे मंदिर में ऐसे व्यक्ति को महंत आपने उत्तराधिकारी। अरे हम कुछ नहीं बताएं, इसमें कुछ नहीं बताएं। जीवन का पालन कर रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके भी नाम पर मतलब वो है कि हम तो एक। अरे सब जब लगन दो तब जाखन जी 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 साहेब। आइए अब आपको उस व्यक्ति से मिलवाते हैं जिसने महंत रमाकांत दास का असली उत्तराधिकारी होने का दावा किया है। ये है बालक दास। यही वो व्यक्ति है जो नियमानुसार खुद को महंत रमाकांत दास का उत्तराधिकारी मानते हैं। इनके मुताबिक
महंत रमाकांत दास ने सन 1978 में अपने शिष्य और उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम की घोषणा की थी। भागीरथी के तट पर बकायदा एक समारोह के दौरान उन्होंने शिष्य के तौर पर उनका तिलक किया। इनका दावा है कि 30 साल से ज्यादा इन्होंने मंदिर और महंत रमाकांत दास की सेवा की, लेकिन अचानक ही कृष्ण दास को महंत रमाकांत दास का उत्तराधिकारी बना दिया गया। आज महाराज जी ने जो शिष्य के जो उत्तराधिकारी महंत के रूप में दूसरे व्यक्ति को घोषणा की है, वो परंपरा के अनुसार परंपरा को नष्ट कर दिया है, क्योंकि अभी तक जो परंपरा रही है वह बैरागी की रही है, ब्रह्मचारी की रही है, और महाराज जी वैरागी हैं, ब्रह्मचारी हैं। आज जो कर रहे हैं वो गृहस्थ के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। ये परिवर्तन न तो जनता को स्वीकार है, न साधु महात्मा संतों को स्वीकार है, न यहाँ के नागरिकों को स्वीकार है। पनकी मंदिर के एक और महंत जितेंद्र दास ने इस फैसले को अनैतिक बताया है। उनके मुताबिक इस फैसले से श्रद्धालुओं के बीच गलत संदेश जाएगा, जिससे मंदिर की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। जितेंद्र दास का कहना है कि बालक दास ही महंत रमाकांत दास के असली उत्तराधिकारी हैं। पूर्व में मैंने जब सुना यहाँ पर कि यहाँ एक हमारे गुरु भाई बालक दास और बालकिशन मिश्रा हुए, जो कि आज तक इस मंदिर में बतौर पुजारी भगवान हनुमान जी की सेवा करते रहे। अभी फिलहाल में ही हमारे जो कि दादा गुरु चाचा गुरु हैं महंत बाबा रमाकांत दास जी महाराज, जिनके कि वो शिष्य थे, उन्होंने उनकी जगह पर अपने एक भतीजे पारिवारिक व्यक्ति को यहाँ उत्तराधिकारी महंत नियुक्त किया। पूर्व में ये बताया गया कि ये पुजारी है, एवं पुजारी के होने का नेता अभी 16 तारीख को ये घोषणा कर दी गई कि वो महंत होगा, महंत का उत्तराधिकारी। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे मंदिर ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की संपत्ति का होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पनकी के पास अनूपपुर गांव में मंदिर से जुड़ी करीब 202 बीघा जमीन है, जिसे लेकर ये पूरा विवाद चल रहा है। इस पूरे विवाद में एक और शख्स की अहम भूमिका है, ये भी खुद को महंत रमाकांत दास का भतीजा बता रहा है। इनका नाम शरद शुक्ला है। इनका क्या कहना है सुन लीजिए। कृष्णलाल शुक्ला उर्फ राजा बाबू जब यहाँ के पुजारी बनाए गए थे, तब से मेरा मंदिर के प्रति भावना कम हो गई और मैं मंदिर आना अपना बंद कर दिया। कि ऐसे व्यक्ति को मैं लायक नहीं करता हूँ, को जो हर कर्म से पूरी तरह मतलब सीढ़ी चढ़ा हो, जो कोई हर कोई भी कानपुर नगर के अंदर कोई ठेका बचाओ जो इससे बचाओ पीने खाने के। आप लोग सर्वे करिए जाके, अगल बगल से पूछिए जाके कि ये करते हैं कि नहीं करते हैं। ये नॉनवेज भी खाते हैं, और ऐसे मंदिर में हनुमान जी का मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ऐसे मंदिर में इसको पुजारी लायक किया गया है। चलो ठीक है, पुजारी के बाद इसको महंत बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया, किस बेस पे बनाया गया। एक बेटी है और एक बेटा है, बेटी भी हमारी समझ से शादी लायक एज हो रही है, बेटा इनका 15-16 साल का है। महंत रमाकांत दास के इस फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। पनकी मंदिर आने वाले हनुमान भक्तों ने इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कृष्ण दास को अपना उत्तराधिकारी बनाकर महंत रमाकांत दास ने उनके विश्वास के साथ छलावा किया है। कि ये जो मंदिर में जो महंत बनाए गए हैं, ये गलत बन रहे हैं, क्योंकि ये बाल बच्चे वाले हैं, यहाँ बिना बाल बच्चे वाले बनना चाहिए। और ये कहना चाहते हैं कि बाल किशन के लिए कहे गए थे जो कि क्या नाम है, इनको हम महंत बनाएंगे, लेकिन उस जगह उनको नहीं बनाया गया महंत। जो महंत बजी बने हैं इस हिसाब से, परंपरा के हिसाब से तो गलत है। कायदे से अविवाहित महंत बनना चाहिए, विवाहित महंत की परंपरा नहीं है, ऐसा वेदों में भी है, शास्त्रों में भी है। अब चूँकि वो
कोई विरोध तो यहाँ कर नहीं रहा है, तो जो मनमानी चल रही है चल रही है, उसके लिए हम लोगों से कोई राय ली नहीं गई। जो भी हो रहा है ये सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ की परंपरा रही कि यहाँ पर साधु सुधा व्यक्ति महंत नहीं बनता है, और जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और किसी व्यक्ति को एक साथ 50 साल तक कहा जाए कि आपको महंत रखा जाएगा, अंतोगत तलाश में उसको हटा दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, जो कि गलत किसी हिंदू समाज में किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और सभी को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कार्य हो रहा है, जो कि उचित नहीं है। बीजेपी विधायक सत्यदेव पचौरी भी इस पूरे वाक्य से वाकिफ है। उनके मुताबिक ये मुद्दा चर्चा का विषय है। उन्होंने भी इस फैसले को लेकर हैरानी जताई। ये जो पूजा स्थल या धार्मिक स्थल लोगों की आस्था के केंद्र हैं, और ऐसी जगह पर धन उगाही का लालच करना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इसीलिए ऐसे ग्रस्त को बनाया है उन्होंने जो पहले ही से विवादित है, ग्रस्त है, और जिसका सामाजिक जीवन भी स्वच्छ नहीं है। या तो वो सन्यासी होते, साधु होते, बनाते तो कोई इतराज लोग ना करते, लेकिन ग्रस्त को पुजारी बनाना कौन सी परंपरा में है, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे में अब सवाल ये उठते हैं कि क्या परिवार, मोह या करोड़ों की संपत्ति के लिए आस्था से जुड़े किसी पद को हासिल करने के लिए नियम कानून को ताक पर रखकर करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा सकता है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र पनकी मंदिर यहाँ के बड़े महंत रमाकांत दास के एक फैसले से विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल बड़े महंत रमाकांत दास ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो ना तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, साथ ही कई तरीके के विवादों से भी घिरा हुआ है। बड़े महंत के इस फैसले से हनुमान भक्तों ने काफी नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही उनके शिष्यों ने इस फैसले का विरोध भी किया है। ऐसे में भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को कब तक वापस लिया जाता है या इस पर पुनर्विचार किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ राहुल कटियार, के न्यूज।